अभी हम यहाँ चंबा सिटी में एंटर होते ही यहाँ एक मंदिर है उसमें आ चुके हैं। यहाँ पे जगह है काफ़ी सारी, तो यहाँ पे जो पुजारी हैं उनसे पहले बात करके देखते हैं कि रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तो यहीं पे रुक जाएंगे आज और फिर कल भरमौर के लिए निकल जाएंगे। हेलो, हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई रात को हम यहाँ मंदिर में ही सो गए थे। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, माता का मंदिर है, विष्णु भगवान का है, भोलेनाथ का है और काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ मंदिर में ही पुजारी जी से बात करके फिर हम यहीं पे सो गए थे। माता का मंदिर है पीछे, वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, टेंट भी नहीं लगाना पड़ा, वहीं पे हम सो गए थे। तो अभी थोड़ी देर में, कल रात को तो भाई इतनी गर्मी थी, मतलब कल दिन में इतनी गर्मी थी, रात को यहाँ पे पानी का स्रोत है ही है मंदिर में, हर कोई यहीं आके नहा रहा है और यहीं से पानी भर के जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो हम भी यहीं पर नहाए थे और अभी यहाँ से नहा धो के और फिर निकलेंगे थोड़ी देर में भरमौर और हड़सर की साइड। ये है कुछ मंदिर का एरिया, यहाँ पे भोलेनाथ, वहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है, यहाँ पे शीतला माता का है, वहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है और वहीं पे आगे की तरफ जगह थी फर्श पे, फिर वहीं पंखे वंखे चला गए थे पुजारी जी, वहाँ पे पंखे चला गए थे तो वहीं हम वहीं पे सो गए थे। और ये मेरे हनुमान जी महाराज मंदिर में तो हम सोए तो थे, लेकिन अभी एक दिक्कत हो चुकी है, मैंने अपने जूते उतारे थे यहाँ पे रात को और उनको कोई लेके चला गया। 3000 रुपये के जूते थे वो। अब ऐसे ही एक तो बजट नहीं रहता है, लिफ्ट लेके घूमना पड़ता है बिना पैसों के, दिक्कत ही दिक्कत। मैंने अपने जूते रखे थे यहाँ पे पेड़ के इधर छुपाने के लिए, पेड़ के इधर रख दिए थे मैंने अपने जूते और मैं सोया था उधर मंदिर के अंदर ले जा नहीं सकते तो मैंने रख दिए थे यहाँ पे। फिर भारत बता रहा था कि रात को बारिश हुई थी तो उसने हटा के यहाँ से वो टीन देख रहे हो ना आप लाल वाली, उसके अंदर जाके रख दिए थे कि जिससे बारिश से भीगे नहीं। भारत ने रख दिए थे इस टीन के अंदर यहाँ पे। ये जो सीढ़ी, ये जो बैठने की चेयर कुर्सी सी बनी हुई है इसके अंदर यहाँ नीचे की तरफ रख दिए थे, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं अब। एक तो भाई वैसे ही बजट नहीं रहता है, ऊपर से ये दिक्कत, चप्पल है वैसे तो मेरे पास, अब चप्पलों से ही जाना पड़ेगा वहाँ। तो मणि महेश देखते हैं भाई, चप्पलों से पता नहीं ये ट्रैक हो पाएगा या नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई जूते बहुत महंगे थे, लेने में 10 बार सोचना पड़ता है इतनी महंगी चीज़ें और वही चोरी हो जाती हैं। तो फिर तो भाई ये भाई है मेरे साथ, हेलो, तो ये जूते ढूंढवाने में हेल्प कर रहे हैं अगर किसी को मिलते हैं तो। ये है वो भाई है और एक भाई ये है, थैंक यू। जूते 1-1.5 घंटे से जूते ही ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक तो कोई मिला नहीं है। ये भाई था छोटू, ये मेरे साथ ही है तब से, और भी है तो भैया वो भी है। अभी एक बंदा था उसको, मतलब वो दारू वारू पी के यहीं पे रहता, उसके साथ एक और बंदा था, शायद हो सकता है वो ले गया हो। देखते हैं थोड़ी देर और वेट करते हैं यहाँ पे, अगर वो आता है तो, अगर जूते मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल जाएंगे भरमौर की साइड। ये छोटू है हमारे साथ है जब से ही मेरे साथ। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू है, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th में। यहीं चंबा से ही हो? अच्छा, धन्यवाद। अब हम यहाँ जो शीतला माता मंदिर है यहाँ से ही निकल लिए हैं, अब हम जा रहे हैं भरमौर और हड़सर की तरफ। मंदिर से प्रसाद मिला है, केला अभी और भी मिली थी वो खा ली हमने, और अभी वैसे सुबह से कुछ नहीं खाया था, ये केले ही खाए हैं। तो रास्ते में कुछ नाश्ता वास्ता करके खाना खा के और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। भाई जूते तो मिले नहीं, अभी मैंने चप्पल पहन लिया, चप्पल लेके आया था। तो मणि महेश कैलाश जी की जो यात्रा है वो ऐसे ही करेंगे, बिना जूतों को ही ट्रैक करना है, चप्पलों से ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जाएंगे हम भरमौर, लगभग 1 बज चुके हैं, जूते ढूंढने में ही 1-2 घंटे लग गए थे। वो लोकल जो बच्चे थे यहाँ के वो साथ में ही थे, वो कह रहे थे हम ढूंढवाते हैं लेकिन नहीं मिले। फिर भी वो कह रहे हैं अगर कोई आता है, कोई मिलता है, अगर जूते मिलेंगे तो हम उनसे लेके रख लेंगे, आप जब आओगे तो एक बार मंदिर होके ही जाना, फिर मिलेंगे तो ले जाना, नहीं मिलेंगे तो कोई नहीं। तो भाई अब चलते हैं थोड़ा आगे, चंबा थोड़ा सा क्रॉस करते हैं और उसके बाद लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। ये भरमौर है यहाँ से 65 किलोमीटर और हड़सर है 78, चंबा अभी 3 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, वैसे चंबा में ही है हम। आगे एक जो है भरमौर चौक पड़ता है, वहाँ तक थोड़ा पैदल चलते हैं या उससे पहले कोई लिफ्ट मिल गई तो फिर उसमें बैठ के
निकल जाएंगे आगे की तरफ। ये भारत जा रहा है आगे आगे, इधर इसके बगल में नीचे की तरफ है रावी नदी। भाई हम जैसे ही भरमौर मड़ी में इसके लिए निकले, भाई मेरे जूते मिल गए ये भैया पहन के। हर हर महादेव। तो भाई ये है भाई महादेव का चमत्कार। जैसे ही मड़ी महेश यात्रा के लिए आगे हम बढ़े मंदिर से, मुझे एकदम से जूते दिखे, मैंने आके देखे और जूते पहचान लिए। इन्होंने फीते भी चेंज कर दिए भाई मेरे जूते के। जूते मिल चुके हैं मुझे। वो भाई था वो कह रहा था कि मैंने 400 रुपये दे के जूते लिए। मैंने कहा भाई मेरी थोड़ी गलती है इसमें, कितने भी ले के दिए हो मेरे तो जूते हैं खुद के, मैं अपने जूतों के लिए पैसे क्यों दूंगा। अब पता नहीं भाई वो झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, 400 में लिए नहीं लिए पता नहीं, कह रहा था मैंने 1 से 400 रुपये में लिए। मैंने कहा भाई फटे हुए जो पुराने जूते लग रहे हैं, तुझे 400 का क्या लगा हुआ ऐसा उसमें जो 400 रुपये के ले लिए। कह रहा मुझे जूते अच्छे लगे तो मैंने ले लिए 400। और मैंने तो जूते पहचान लिए थे क्योंकि मैंने ये सिलवा रखे हैं जूते, हल्के से फट गए थे दोनों जगह से, तो वो सिलवा रखे हैं हल्का सा उखड़ा हुआ है एक जगह से। मैंने उससे पूछा कि जूते किसके, कह रहा है मेरे हैं मैंने लिए थे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसका पैंट ऊपर करा तो जुर्राब भी मेरी पहन रखी थी। तो ठीक है भाई, उसको मंदिर के पास फिर से पकड़ के ले गए कि मंदिर के पास चलो एक बार। मंदिर के वहाँ ले गए, फिर वहाँ पे पुलिस वाले अंकल भी आ गए थे, उन्होंने हमारे जूते दिलवाए। अब हम जा रहे हैं आगे भरमौर की तरफ। थैंक यू भैया। नारायण शर्मा, चैनल का नाम है INS एडवेंचर, INS एडवेंचर। अच्छा, थैंक यू। तो भाई ये लिफ्ट मिली थी 7-8 किलोमीटर की, भाई जा रहे हैं इधर की तरफ, मुझे आना है सीधे भरमौर की तरफ। और ये साथ साथ में रावी नदी चलती हुई, बगल में रावी नदी, यहाँ चंबा, चंबा से आगे मतलब चंबा होते हुए ये रावी नदी निकलती है, और इधर की तरफ शायद भरमौर की तरफ भी ये रावी नदी है। ये लिफ्ट मिली थी चंबा से 8-9 किलोमीटर की। अभी गाड़ियाँ तो बहुत चल रही हैं इधर की तरफ भी, पर लिफ्ट जल्दी से नहीं मिलती है, कोई आता है खाली तभी बैठाता है। वो बाइक पे थे भाई, अकेले थे, कोचिंग से आ रहे थे, उन्होंने बिठा दिया अपने साथ। अब देखता हूँ कोई आता है तो बैठ जाऊँगा उनके साथ और फिर निकलूँगा। अभी भरमौर यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर और है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ। भाई पैदल चले थे हम थोड़ी देर, फिर ये लिफ्ट मिली, उसके बाद अभी मैं ज़्यादा पैदल इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत है और गर्मी भी बहुत है यहाँ पर, और वैसे यहाँ पर सर्दियों में भाई बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अभी इस टाइम पे 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ हिमाचल है, हिमाचल में जैसे ये चंबा नाम की जगह है, यहाँ पे चंबियाली लैंग्वेज बोल दी जाती है, और जैसे अभी भरमौर की साइड में जा रहा हूँ वहाँ पे गद्दी लोग रहते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है। और जैसे मैं हिमाचल में देख रहा हूँ यहाँ पे जो लैंग्वेज है वहाँ पे पंजाबी मिक्स ज़रूर है, जैसे चंबा में भी चंबियाली तो बोली जाती है लेकिन उसके अंदर भी पंजाबी जो लैंग्वेज है वो मिक्स है। तो अभी जैसे वहाँ जा रहे हैं, अभी भरमौर और हडसर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं देखता हूँ यही सिस्टम है या वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी यहाँ से डिफरेंट है। जैसे पठानकोट से आगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ आया हूँ तो चंबियाली तो बोली जाती है लेकिन पंजाबी एसेंट है यहाँ की लैंग्वेज में। और यहाँ के जो थोड़े घर हैं भाई वो उत्तराखंड के मुकाबले थोड़े संपन्न परिवार हैं, यहाँ पे थोड़े पैसे वाले हैं और घरों का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो और खूबसूरती की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल खूबसूरती के मामले में तो वहाँ की अलग ब्यूटी है, यहाँ की अलग ब्यूटी है। तो भाई अभी एक लिफ्ट मिल चुकी है सीधे भरमौर तक, ये भैया जा रहे हैं और भैया भी ब्लॉग शूट करते हुए ही जा रहे थे, अभी ये अपना बैग निकाल रहे हैं। आप कहाँ से भैया, भरमौर से या चंबा से हो? मैं भैया बेसिकल तो डलहौजी से हूँ। अच्छा डलहौजी से हो? अच्छा डलहौजी तो नहीं, चंबा तो, चंबा यहाँ से मेरे घर से है 43 किलोमीटर। अच्छा आप भी ट्रैवल करने जा रहे हो? मतलब हाँ मैं भी ट्रैवल कर ही जा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा है ना। अच्छा आप कहाँ तक जा रहे हो? तो अभी भरमौर, अभी मेन भरमौर ही जा रहा हूँ। तो भाई हम भी निकलते हैं, ये वाला बैग यहाँ था ऊपर, इधर साइड में बांध दिया है और भैया के साथ ही जा रहा हूँ। आपका किस नाम से चैनल है? मेरा ये हिमालयन कल्ट। अच्छा हिमालयन कल्ट, किस नाम से चैनल है भाई? जो भी देख रहे हो भैया को सब्सक्राइब कर लेना, हिमाचल की वीडियो बनाते हो आप ज़्यादा? हाँ मैं ज़्यादा अपनी जगह जी। थैंक यू भैया। ओके चलिए।
अभी पहुंच चुके हैं हम उस जगह पे जहां से मड़ी महेश कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, भोलेनाथ की मूर्ति बनी हुई है और एक बोर्ड लगा हुआ है प्रथम कैलाश दर्शन, तो वो आपको दिखा देता हूँ। वैसे अभी बादल लगे हुए हैं, मणि महेश कैलाश तो अभी नहीं दिख रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे भरमौर की तरफ। तो भाई यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड प्रथम कैलाश दर्शन और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वो रहे भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो सेम यही चीज़ दिखती है मणि महेश कैलाश, यहाँ से सामने की तरफ देखते हैं मणि महेश कैलाश, लेकिन अभी बादल लगे हुए हैं तो इस वजह से दिख नहीं रहे। अभी पहुँच चुके हैं भरमौर, ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ जो ये सामने जो आप गेट देख रहे हो मंदिर का, ये है 84 मंदिर का गेट और यहीं से भरमारी माता मंदिर का एक ट्रैक भी जाता है और गाड़ी भी जाती है, आप कैसे भी जा सकते हैं। तो अभी तो 84 मंदिर जाएंगे, अभी थोड़ा भारत आ जाए तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं, और भैया अभी यहीं पर रुके हुए हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं 84 मंदिर की तरफ, ये मंदिर का द्वार है, यहाँ पे गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, और हम जा रहे हैं अभी 84 मंदिर की तरफ। और अगर टाइम बचेगा तो आज ही भरमारी माता मंदिर तक भी चले जाएंगे, वहाँ पे वहाँ का ट्रैक होता है लगभग 2-2.5 किलोमीटर का। तो मैं आ चुका हूँ भाई 84 मंदिर के गेट पर, अब चलते हैं अंदर। तो भाई ये जो 84 मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है, हर हर काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्राचीन मंदिर है भाई। अभी थोड़ा नेट पे जानकारी रिसर्च कर रहा था मैं, लगभग 1400 साल पुराना ये मंदिर है। तो भाई ये हो गया मंदिर का एरिया, ये हो गया मुख्य मंदिर भोलेनाथ का, इसी के बगल में ये पेड़ है देवदार का पेड़, और भाई यहाँ पे भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये माता का मंदिर है, यहाँ पे कुछ हो रहा है कीर्तन वगैरह। भाई क्या प्यारा मंदिर है, एकदम ही प्यारा है, एक मुख्य मंदिर वो उधर की तरफ भी एक मंदिर है, एक मंदिर यहाँ सामने है, ये बैठने की जगह, और ये देखिए एरिया, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, सामने मुख्य मंदिर मेरे महादेव का, हर हर महादेव। अभी जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शनों के लिए और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं इधर भी, और मुख्य मंदिर वो है सामने, वो रहे मेरे महादेव, हर हर महादेव, आप भी दर्शन कर लीजिए भाई। और यहाँ पे चल रहा है कीर्तन, नमस्कार भैया। तो भैया आप यही मंदिर में ही रहते हो, यही भरमौर से ही हो? जी यहीं के पुजारी। अच्छा पुजारी हो आप, पुरोहित यहीं के आप ही हो। तो मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है यहाँ से? देखिए बहुत प्राचीन मंदिर है, हाँ। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, बाहर का मंदिर का, ये राजा मेरुवर्मन के काल का 7वीं शताब्दी में बनाया गया, 7वीं शताब्दी। परंतु जो भीतर का शिवलिंग है ना, हाँ। ये हरिहर स्वरूप है, भगवान नारायण और स्वयं भगवान शिव जी का एक स्वरूप। यहाँ पे जितने भी 84 परिसर में शिवलिंग है सभी स्वयं स्थापित, कोई भी नहीं करा गया। इसका ये आदि अनादि काल से कोई इतिहास का मालूम नहीं है कि ये शिवलिंग कब से, परंतु ये मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है कि बाहर से स्ट्रक्चर डिजाइन करा गया। और ये वृक्ष देख सकते हो आप, जैसे एकादश रुद्र महादेव जी, जी। ये नीचे से एक भाग है ना, ऊपर से 11 भागों में विभाजित हो गए, इसमें एकादश रुद्र विराजमान है, साक्षात श्री हनुमान जी का स्वरूप वृक्ष के अंदर जी जी। और ये जो देख रहे हो ना, ये 8 नाथ है, नाथ तो 9 है, हाँ 9 नाथ और 84 सिद्ध है, परंतु इधर का इतिहास इस प्रकार से है ना कि जब भगवान शिव के साथ 9 नाथ तो ये और 84 सिद्ध आए थे जी कैलाश मार्ग, कैलाश के लिए प्रस्थान करने के, तो 8 नाथ आए थे, कहते कि एक चरपटनाथ चौरंगी चंद्रूपी चौरंगी नाथ इस प्रकार से कहते, तो उनको चरपटनाथ कहते हैं। अच्छा। तो चरपटनाथ जी चंबा में रुक गए थे, अच्छा। चंबा में, तो उनका चंबा में मंदिर है, उनके नाम से पंचजूना अखाड़ा, ये भी अखाड़ा है भरमौर में, पंचजूना अखाड़ा है, उनके नाम से साधु संत जो है छड़ी लेकर के आते और कैलाश के लिए जाते हैं। जो कैलाश की यात्रा है वो जन्माष्टमी से प्रारंभ होती है, जो उसका मुख्य दिवस है ना यात्रा का, वो जन्माष्टमी से प्रारंभ होता है, तभी मेला लगता है। हाँ जी, मेला तभी से लगता है। अच्छा। जन्माष्टमी से राधाष्टमी, पहला स्नान होता है जन्माष्टमी को और अंतिम स्नान होता है जो डल झील का, कहते हैं कि चेले लोग जाते हैं और डल झील तोड़ते हैं। अच्छा। वो राधाष्टमी के दिन होता है, और जितने भी लोग श्रद्धालु मणि महेश यात्रा के लिए जाते हैं
वो यात्रा से पूर्व माता जी के दर्शन, ऊपर माता जी का माता जी का मंदिर है तो ऊपर दर्शन करते हैं तो उसके पश्चात ही जाते हैं, ऐसा माता जी को वरदान है। अच्छा कि अगर दर्शन नहीं करेंगे तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे जो मतलब मानना है कि ये भगवान ने उनको वरदान दिए थे कि अगर जब तक उनके पास नहीं जाओगे ना वहाँ पे जाके दर्शन नहीं करोगे तब तक दर्शन करने पर जरूरी है यात्रा जो पूर्ण, यात्रा की पूर्णता ही तब है जब माता के दर्शन आप कर लोगे। ये जो माता है ना ब्रह्मणी माता, ये माता नवदुर्गा का जो द्वितीय स्वरूप है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप है। जी जी, तो भाई ये है पूरा मंदिर परिसर। मुख्य मंदिर वैसे तो सारे ही हैं, जितने भी आप ये छोटे छोटे मंदिर देख रहे हो ना इसमें स्वयं शिवलिंग रूप में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। यहाँ सामने भी भगवान भोलेनाथ का मुख्य मंदिर है, शिव हरि रूप में है यहाँ पे भोलेनाथ। भाई यहाँ पे ये है महादेव के मंदिर के जस्ट सामने ही नंदी महाराज। अब चलते हैं धर्मराज मंदिर की तरफ। ये हो गया धर्मराज मंदिर परिसर। देखो भाई काफ़ी बड़ा एरिया है, इसके पीछे भी एक और मंदिर बना हुआ है, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। ये हो गए देवदार के पेड़। तो भाई यहाँ पे ये धर्मराज मंदिर है, धर्मेश्वर महादेव धर्मराज जी का। और यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं ज़्यादातर भोलेनाथ जो हैं वो पिंड रूप में ही है हर जगह पे। धर्मराज जी का मंदिर हो गया और उन्हीं के बिल्कुल सामने इधर की तरफ ये है चित्रगुप्त जी का मंदिर छोटा सा, यहाँ पे ये भी पिंड रूप में ही है। और एक मंदिर यहाँ पे भी है। भाई ये आप जो सामने मंदिर देख रहे हो ये है नरसिंह भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे जो मंदिरों की जो आकृति है, जो शैली है वो नागर शैली है, उत्तर भारत की जो शैली है। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे हिमाचल में जैसे ये मंदिर बने हुए हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर वगैरह हैं उत्तराखंड के कत्यूर शैली में, कुछ कुछ बनावट वैसी भी है यहाँ के मंदिरों की, हिमाचल के भी। ये है नरसिंह भगवान का मंदिर सामने। भाई आज रुक रहे हैं हम यहीं 84 मंदिर में और सुबह निकल जाएंगे फिर यहाँ से भरमारी माता के दर्शनों के लिए, उसके बाद निकल जाएंगे हम हड़सर के लिए। तो रात को यहीं पे रुक रहे हैं, मिलता हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो रात को यहीं, मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, 84 मंदिर हैं यहाँ पे छोटे बड़े, तो इसीलिए इसे 84 मंदिर भी बोला जाता है। तो अब जा रहे हैं हम मार्केट की तरफ खाना खाते हैं, सुबह मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में।